आप एक बार भक्त और भगवान की कथा लिखी। कहा अच्छा होगा क्या? कहा ये आपका संतोष मिट जाएगा, ये संतोष में बदल जाएगा, क्योंकि प्यारे गोदल गजदल बाज धल और रतल दल काली सब में संतोष दल सब धन धूरी समा। व्यक्ति के अंदर संतोष ही तो आता नहीं, थोड़ा सा मिला इतना मिल जाए, इतना मिला इतना मिल जाए, बिल्डिंग बनी गाड़ी आ जाए, नित्य प्रति व्यक्ति ये सोचता रहता ये मिल जाए ये मिल जाए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए, यही संतोष ही तो आता नहीं। प्यारे चाहे जितना कमा लो और संतोष नहीं है तो चाहे सोने के ढेर पर व्यक्ति को बिठा दो लेकिन वो चिंता ही में रहेगा, कहेगा सोना मिला लेकिन भाई मणि तो मिली नहीं। तो प्यारे जब संतोष आता है व्यक्ति के अंदर, संतोष तो तभी आएगा जब आप सत्संगति में जाओगे, सत्संग में जाओगे। बताने लगे कहने लगे व्यास जी आप कहते हो कि हमें संतोष नहीं मिल रहा हमारा कल्याण कैसे होगा? कहा जरा विचार करो, मैं अपने पूर्व जन्म की चर्चा आपको सुनाता हूं। नायदवाश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रो प्रगृणहित करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्त्यो से वक्षया। कहते हैं कितना भी सुंदर सरोवर हो, नारद जी देखिए व्यास जी को कथा सुना रहे हैं, क्या कहते हैं ए व्यास जी, कितना भी सुंदर सरोवर हो उसमें हजारों कमल फूल खिलते हैं, कितना सुंदर लगता है, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को व्यक्ति देख करके किस व्यक्ति का मन नहीं होगा इसमें जरा डुबकी लगा ले, मन होगा ना। लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई तब तक सरोवर में ज्यों ही डुबकी लगाई अब घुटनों तक कीचड़ भर गया, डुबकी लगाई ना भाई, डुबकी लगाने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा, नदी भी होगी तो किनारे में तो कीचड़ है ना, कीचड़ से होकर के ही नदी में जाओ, घुटनों तक कीचड़ भर गया। लेकिन आप विचार करो कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है? एक बात बताएं, कीचड़ में से भरा हुआ सरोवर हो उसमें सब कीचड़ ही भरा हो तो कौवा उसमें भी स्नान कर सकता है, लेकिन जिस हंस को मान सरोवर में रहने की आदत हो वो क्या कभी कीचड़ भरे सरोवर में स्नान करेगा? कदापि नहीं करेगा। मानो नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की तो रचना की परंतु संसार के कार्यों में फंसे रहने के कारण उनके लिए वो ग्रंथ अब किसी काम के नहीं, क्योंकि कोई पढ़ने ही नहीं चाहता, कौन पढ़ेगा? जिस व्यक्ति से पूछो भैया समय है, महाराज जी समय की बड़ी प्रॉब्लम है, समय बिल्कुल नहीं, तो भैया इसीलिए
हम आप जो राम और कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके लिए जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे तब तक आपके मन का कष्ट दूर होने वाला नहीं है। अब तो कहने लगे, सुनिए एक बात बताऊं, मैं पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दात्यातु कश्चित् वेदवादिना अहम पुरातीत भवम अभवम मुने। एक बात बताऊं व्यास जी, क्योंकि जब व्यास जी को ये बात बताई कि आप भागवत रचो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, व्यास जी ने नाम सकोड़ दिया। अरे हमने इतना काम किया तो काम नहीं बना, एक भागवत के लिखने से काम हो जाएगा। कहा सुनिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बात बताऊं, इस संसार में व्यक्ति आजकल की पीढ़ी तो बिल्कुल चाहती है प्रत्यक्ष में प्रमाण। प्रमाण जब तक नहीं दोगे मानने वाली नहीं। एक व्यक्ति, अभी लखनऊ कथा चल रही थी ककौली प्रेमनगर में, हम मंच से उतरे, मौर्य जी करवा रहे थे, थोड़ा हम और मौर्य जी दोनों लोग सामने जा रहे थे, उधर से आए रोक ली, महाराज जी आज की कथा में एक संशय है। का संशय ये है, आप भगवान 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 चार दिन से कह रहे हो, हम तो कहते भगवान है ही नहीं। अच्छा जो है भगवान तो हमका बताओ, कोई ऐसा उदाहरण दो जो हमको विश्वास हो जाए भगवान है। तो बात सही, बाद में पता चला कि वो कोई और वाले थे, वो तो दूसरी पार्टी वाले थे। एक बात बताऊं, लोहे को लोहा काटता है। आज हमें अन्य लोगों से कष्ट ज्यादा नहीं है प्यारे, सभी तो आप के गांव में मिसाल है, मोहम्मद मुफीद भैया है ना, इस्लाम से है लेकिन हर प्रकार से सहयोग करते ना, बैठ के कथा भी सुनते। अच्छा ये बताओ, हिंदू को आज इस्लाम से खतरा नहीं है जितना कि अपने बिगड़े हुए छोटे भाई हिंदू से खतरा है। एक बात बताएं, घर का भेदी तो मामला गड़बड़ करता है, जो हमारे सनातन धर्म को छोड़ के आज नया नया अपना अपना धर्म बना रहे हैं, और उनको ये पता भी नहीं है कि ये है कौन। एक धर्म बहुत तेजी से इस समय लोग बढ़ाने में लगे लेकिन कर कुछ नहीं पाए। सनातन का मतलब ही है सनातन, शाश्वत, जो था और है और रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं। पता नहीं कितने मिटाने वाले आए और मिट के चले गए, लेकिन ये ज्यों का त्यों। लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी आपको, जो लोग आज बुद्ध भगवान का नाम लेकर के पार्टी अपनी बना रहे हैं ना, वो यही नहीं जानते ये बुद्ध भगवान कौन है। ये तो राजा के पुत्र वाले हैं, मूर्ति बना के पूज रहे हैं, उनको असली बात ही नहीं पता। भागवत पढ़ लीजिएगा, भागवत में आता है वो बुद्ध भगवान और है, वो ब्राह्मण के पुत्र है। कथाई का माजर ही अलग है। ये कालांतर में जो हुआ, जिनको लुम्बिनी में ज्ञान हुआ, ये तो राजा के पुत्र है। आप लोगों ने खूब पढ़ा भी होगा, पुस्तकों में मिल जाएगा प्रायः, पढ़ लेना। भागवत में पढ़ना है असली बुद्ध भगवान के बारे में तो भागवत में पढ़ लेना। आज नारद जी कहने लगे,
हे व्यास जी, अहम पुरातीत भवम अभवम मुने, पूर्व काल में मैं दासी पुत्र रामदास हुआ करता था। ध्यान पूर्वक सुनिए, पूर्व काल में मैं एक दासी का पुत्र रामदास था। आखिर हम 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाएंगे। आखिर इनको दासी पुत्र क्यों बनना पड़ा? बात याद आ गई, ये दासी पुत्र क्यों बने? ये पूर्व में कालांतर में चित्रकेतु नाम के गंधर्व थे, चित्ररथ नाम के गंधर्व, चित्ररथ नाम के गंधर्व थे। एक संत के श्राप के कारण, क्योंकि ये मदिरा का पान किए घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि सर से पति का साया तो छिन ही चुका था, वो माता भटकती इधर उधर अपने भैया आकर के सन्मुख बैठ गया। सन्मुख हो ए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय तबहि। जब आ ही गए तो बैठो प्यारे, थोड़ी सी कथा सुन के जाना, बैठ जाओ। बोले भक्तों भगवान जय हो। आज कहने लगे, मेरी माता बड़ी व्याकुल थी कि इस बेटे को मैं कैसे पालूंगी। लोगों के घरों में जाकर के काम करती है और उस बालक को पालती है, क्योंकि प्यारे पति